हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपचंद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूपचंद टीकीज ग्रो। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मित्रों, जो है संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद यानी जो है दोस्तों द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर अंग्रेजी में बोले तो द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संघीय मंत्री परिषद। दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद को जो है केंद्रीय मंत्री परिषद के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आज पहली बार आप आए हैं तो जो है भारतीय संविधान के नाम से जो है दोस्तों जो है प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप हमारे जो है पूरा वीडियो जो है देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज संघीय मंत्री परिषद के बारे में जो है विस्तार से चर्चाएं करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं भैया जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में जो है निहित होगी। यानी संघीय मंत्री परिषद यानी केंद्रीय मंत्री परिषद में सबसे पहले जो हम लोग चर्चाएं करते हैं, यानी जो आर्टिकल जो 53 है अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका होगी, यानी जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो होगी दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होगी। और आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 क्या कहता है दोस्तों कि जो है अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, जिसका प्रमुख जो है होगा प्रधानमंत्री होगा। ये बातें जो है आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 में कही गई है। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों जो है मंत्री परिषद का संगठन एवं रचना, यानी जो है केंद्रीय मंत्री परिषद का संगठन कैसे होता है, उसका जो है रचना कैसे किया गया है। तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो है मंत्री परिषद का संगठन यानी रचना जो है कैसे होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मंत्री परिषद का गठन है जो है दोस्तों केंद्रीय मंत्री परिषद संघीय मंत्री परिषद जो संगठन रचना किया गया है, इसका संगठन किससे मिलकर बना है। तो जो दोस्तों केंद्र में सरकार है, केंद्र की मंत्री परिषद है, वो जो है किससे मिलकर बनी है। तो हम लोग जानते हैं भैया प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री से हमारा यहाँ क्या तात्पर्य होगा, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री, ये सब मिला के जो है दोस्तों इन सब के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। ये जो है प्रधानमंत्री सहित यानी प्रधानमंत्री को लेकर कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री, इन सब के समूह को हम लोग मित्रों क्या कहते हैं, केंद्र की मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। परीक्षा में पूछा जाता है कि जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद तहत की जाती है। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 75 यानी 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति कौन करता है। तो हम लोग जानते हैं भैया जो है प्रधानमंत्री जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा जो है दोस्तों, वह राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी अन्य मंत्री की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से, पहले प्रधानमंत्री से सलाह ले लेगा। कौन, राष्ट्रपति, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे बड़ा राजा होता है। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति करेगा और उनके बीच क्या करता है, विभागों का बंटवारा करता है। यही जो है सबसे पहले हम यहाँ बात की है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो जो है संविधान के आर्टिकल 75 यानी जो दोस्तों अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। और जो अन्य मंत्री होंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन दोस्तों किसके, प्रधानमंत्री के सलाह से, प्रधानमंत्री सलाह लेगा और तब जो है नियुक्ति करेगा, उनके बीच क्या करेगा, विभागों का बंटवारा करेगा। है कि नहीं, इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आगे बच्चों देखते हैं कि मंत्रियों के लिए योग्यताएं क्या होती है। जो केंद्र के मंत्री होते हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं उनकी क्या योग्यताएं होती है। वैसे दोस्तों कोई योग्यता है नहीं, कोई न्यूनतम योग्यताएं बाउंडेशन नहीं लिखा गया भारतीय संविधान में, लेकिन लोग जानते हैं कि जो मंत्री परिषद सदस्य बनने के लिए या आवश्यक है व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। दोस्तों किसी का सदस्य क्या, यहाँ क्या मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी दोस्तों मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं मंत्री। कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है कि आप 25 साल के हो कि 30 साल के हो कि 24 साल के हो, ऐसी कोई बातें नहीं है। कोई भी मंत्री बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है। लेकिन दोस्तों कब तक, छह माह तक आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंतर, यह बाउंडेशन है कि 6 महीने के अंतर्गत आप लोकसभा बोले दोस्तों, अभी हम इसके बाद संसद पढ़ाएंगे, बताएंगे लोकसभा क्या होता है। तो लोकसभा जो दोस्तों होता है निम्न सदन होता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा बोले तो उच्च सदन, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का आप जो है क्या, सदस्यता आपको ग्रहण करनी पड़ेगी 6 महीने के बाद। अगर 6 महीने के अंतर्गत आप लोकसभा या राज्यसभा सदस्य ग्रहण नहीं कर पाए दोस्तों, आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। आपको मंत्री से या प्रधानमंत्री हो, आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। आप मंत्री बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन कब तक, सिर्फ 6 महीने तक।
छह महीने के बाद आप संसद के लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनना अनिवार्य नहीं, आपको क्या जो है त्यागपत्र जो है दोस्तों देना पड़ेगा। तो इतनी बातें आप समझ गए, आगे हम लोग आइए बात करते हैं कुछ और। चलिए बच्चों, और जो है हम आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, यानी मंत्रियों को कैसे शपथ दिलाई जाती है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण यानी पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष दोस्तों ये फर्स्ट वर्ड ऑफ सप्ताह है, राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता दो, देखो दो दो टॉपिक है, दो दो शब्द है, यहाँ है पद और एक है गोपनीयता। पद और जिस पद पे है और गोपनीय, कुछ बातें दोस्तों गोपनीय रखी जाती है जो बाद में बताया जाता है, तो पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है सभी मंत्री प्रधानमंत्री को लेकर। किस अनुसूची तहत? अनुसूची 3 के तहत दोस्तों क्या शपथ है दिलाई जाती है। अब देखो शपथ में कितने अक्षर है, 1 2 3 अक्षर है ना, तो आपसे परीक्षा पर पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री को शपथ यानी जो संवैधानिक पदाधिकारी है उनको जो है शपथ जो है किस अनुसूची तहत दिलाई जाती है, तो अनुसूची 3 के तहत। शपथ में कितने अक्षर है, शपथ मित्रों जो है 3 अक्षर है, याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पद और गोपनीयता की शपथ देनी पड़ती है किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, जो केंद्र के मंत्री है प्रधानमंत्री को लेकर, इन सबको अनुसूची 3 के तहत शपथ लेनी पड़ती है। और परीक्षाओं में भी पूछ सकता है कि जो है शपथ कितनी प्रकार की होती है। दोस्तों शपथ जो है दो प्रकार की होती है, एक पद और एक गोपनीयता की, ये भी परीक्षाओं पूछा गया है कि शपथ कितनी प्रकार की होती है, शपथ जो है दो प्रकार की होती है। चलिए बच्चों, और हम लोग आगे जो है बात करते हैं मंत्री परिषद के सदस्य संख्या, जो है मंत्री परिषद की जो सदस्य है उनकी संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो ये जो है 91 यानी 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दोस्तों 2003 के द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% जो है अधिक दोस्तों नहीं होनी चाहिए। ये बाउंडेशन किया गया कब, एक संविधान संशोधन किया गया कौन सा, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मान लीजिए कुल लोकसभा की सदस्य संख्या मान लीजिए हम मानते हैं 400 है, ठीक है ना, 400 है। अगर पूछेगा 400 का 15% कितना, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 15 से 15/15% निकाल लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे जो आएगा दोस्तों। अब मान लीजिए 2 जीरो काट दिए, इधर भी 2 जीरो काट दिए, कितना आ गया, 15 चौका 60, यानी जो है 60 मंत्री से अधिक नहीं होना चाहिए। आप लोग निकाल लीजिए, मतलब 15% अधिक नहीं होना चाहिए कुल लोकसभा। मान लीजिए कुल लोकसभा सदस्य कितने हैं, लोकसभा सदस्य क्या होता है दोस्तों, लोकसभा सदस्य किसे कहते हैं, गांव लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, उसी कहते हैं हम लोग लोकसभा के सदस्य। तो मान लीजिए 400 लोकसभा के सदस्य हैं, 400 का 15% निकालेंगे तो मान लीजिए 15/100 कट गया, 15/60 यानी 60 मंत्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा बाउंडेशन किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, कि जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% अधिक मंत्री नहीं होना चाहिए, तो ये मंत्री परिषद के सदस्य की संख्या जो है निर्धारित की गई। चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व मीन्स क्या होता है कि जो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी दोस्तों, सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायी मतलब क्या, अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि मंत्रिमंडल द्वारा किए गए किसी भी निर्णय का समर्थन प्रत्येक मंत्री को करना है। अगर निर्णय का यदि कोई मंत्री विरोध करता है तो दोस्तों उसे मंत्री परिषद से पृथक होना पड़ेगा। ये जो है बाउंडेशन किया गया है कि जो है सामूहिक उत्तरदायित्व यही अर्थ होता है कि मंत्रिमंडल द्वारा किए गए किसी भी निर्णय का समर्थन प्रत्येक मंत्री को करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा निर्णय यदि कोई मंत्री विरोध करता है तो उसे जो है मंत्रिपरिषद से पृथक यानी जो है अलग होना पड़ेगा। ये जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है। परीक्षाओं बहुत बार परीक्षाओं पूछा जाता है कि जो है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति। अगर पूछेगा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से दोस्तों जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। तो इतना आप फर्श आप लोग को मालूम रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग कि मंत्री परिषद दोस्तों कार्यकाल कितना होता है। बच्चों जो मंत्री परिषद को जो है कार्यकाल वैसे तो जो है 5 वर्ष दिया गया है, लेकिन मंत्री परिषद जो कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह अधिक से अधिक 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल तक बना रह सकता है दोस्तों, लेकिन 5 वर्ष पहले भी जो है समाप्त किया जा सकता है, यानी 5 वर्ष पहले भी जो है समाप्त किया जा सकता है। इतना फैस आप लोग को मालूम रहना चाहिए।
अब देखेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है उसमें जो है मंत्री कितने प्रकार के हैं मित्रों, जो मंत्रियों के प्रकार यानी मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन के? कौन कौन से दोस्तों? एक मंत्रिमंडल या कैबिनेट स्तर के मंत्री, पहला जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उपमंत्री। ये जो है मंत्रियों के प्रकार है। मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, पहला है मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उपमंत्री। दोस्तों कैबिनेट स्तर मंत्री किसे कहते हैं? जो प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वो प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। जो भी नीति निर्धारण किया जाता है वो कैबिनेट मंत्री ही करते हैं। और बच्चों जो है जो मुख्य मुख्य विभाग होता है वो जो है कैबिनेट मंत्री के ही पास होता है। इसमें जैसे राजनाथ सिंह है और उसके बाद में अरुण जेटली है, अरुण जेटली तो उनका देहांत हो गया, मतलब जो खास खास मंत्री, अमित शाह है दोस्तों, जो खास खास विभाग होता है, मुख्य मुख्य विभाग होता है वो जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के ही पास होता है। और दोस्तों जो राज्य मंत्री होते हैं द्वितीय प्रकार श्रेणी के मंत्री होते हैं राज्य मंत्री। इसी में दोस्तों होते हैं स्वतंत्र प्रभार, इसी में जो है स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। स्वतंत्र प्रभार मीन्स क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, मतलब अपना विभाग देख सकते हैं, दूसरों को भी विभाग देखने में सक्षम होते हैं। इसीलिए राज्य मंत्रियों में कौन होते हैं? स्वतंत्र प्रभार के भी मंत्री होते हैं। और उसके बाद तीसरे स्थान जो होते हैं दोस्तों उपमंत्री। उपमंत्री काम क्या होता है दोस्तों? इन सबकी जो है सहायता करते हैं, यानी राज्य मंत्री और मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्रियों की जो है क्या करते हैं? उपमंत्री सहायता करते हैं दोस्तों। तो आप लोग समझ गए कि जो है मंत्रियों के प्रकार, मंत्री प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।